बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर शिव बारात के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। शिव बारात में करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलस गए हैं। सभी घायल बच्चों को MBS अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनके परिजन मौजूद हैं। ये शिव बारात का कार्यक्रम कोटा में हो रहा था और अचानक करंट लगने से 14 बच्चे झुलस गए। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से कोटा से आपको बता दें, शिव बारात के दौरान यहां बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलस गए हैं। सभी घायल बच्चों को अस्पताल लाया गया है, MBS अस्पताल ये बताया जा रहा है, जहां पर ये बच्चे अपने परिजनों के साथ मौजूद हैं। ये बेहद दर्दनाक हादसा, जिसमें 14 बच्चे करंट लगने से झुलस गए हैं। शिव बारात निकाली जा रही थी, ये बच्चे उसी का हिस्सा थे। इस दौरान करंट की चपेट में आने से 14 बच्चे झुलस गए हैं। पूरे इलाके में हड़कंप है इस हादसे के बाद। तस्वीर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जो अस्पताल पहुंचे हैं घायलों से मिलने के लिए। ये 14 घायल और पीड़ित बच्चे बताए जा रहे हैं। प्रशासन से भी अब इस पूरे मामले पर जवाब मांगा जा रहा है। नीचे थोड़ा माइक, नीचे माइक इसके लिए डॉक्टर से मिलती है, यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं और उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बहुत छोटी उम्र बताई जा रही बच्चों की, सब बहुत छोटे बच्चे हैं और अस्पताल निर्देशन को जिला सबको निर्देश दिए कि उपचार की संपूर्ण व्यवस्था चल रही है, कोई कमी नहीं है और जो आवश्यकता है उसको संपूर्ण उपचार की। सर लगता है कुछ रेफर करने की जरूरत पड़ेगी जयपुर बच्चों को, कुछ अगर यहाँ आवश्यकता होगी रेफर करने की रेफर भी किए जाएंगे। शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, ओम बिरला के मुताबिक जो 14 बच्चे झुलसे हैं उसमें एक की हालत बेहद गंभीर है, बाकी जो है वो रिकवरी मोड में है, लेकिन यह हादसा दरअसल हुआ कैसे? देखिए, सगतपुरा काली बस्ती है, वहां शिव परिवार आज जैसा कि हर जगह भगवान शिव की पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, तो शिव परिवार की बारात निकल रही थी, प्रोसेशन निकल रहा था, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि जो झंडा लेकर चल रहे थे प्रोसेशन में, जो उस यात्रा में, उस झंडा से कोई तार छू गया, उसके बाद वो गिर गया है। क्या हुआ, अचानक से वहाँ भगदड़ मची और छोटे बच्चे थे वो उसकी चपेट में आ गए हैं। 2 बच्चे प्रतिशत से ज़्यादा थोड़ा सा झुलसे हैं, जिसमें से एक बच्चे की कहा जा सकता है कि स्थिति थोड़ी गंभीर है। बाकियों को वहीं MBS अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज जारी है, बाकी ज्यादा गंभीर नहीं है। मगर ये चूंकि रास्ता संकरा था और वायर कर रहे हैं वापस झूलते हुए जा रहे थे और जो झंडे जा रहे थे झंडे से टच हो गया, जिसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा इसी तरह का हादसा वहाँ नागौर में हुआ था कि एक गाड़ी घुस गई थी। कोटा का यह हादसा बेहद दर्दनाक, 14 बच्चे इसमें झुलस गए हैं।